हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो देखिए, ये टॉपिक लिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसके पहले हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, बायो सेवर्ट्स लॉ डिस्कस कर चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट वो भी डिस्कस कर चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट ये भी डिस्कस हो गया। ये टॉपिक रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो तो इजीली आप समझ जाओगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक सर्कुलर कॉइल ले लिया जाए जिसमें कि करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, ये हो गया सेंटर ऑफ सर्कल। अब इस सेंटर से इस सर्कल के एक्सिस को पकड़ते हुए मान लो हम किसी पॉइंट पी पे जाते हैं और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बच्चे, तो जो चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमको पता है कि dB इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप देखोगे जब तक मैं पढ़ाता रहूंगा आपको ना, मैं कोई बहुत ज्यादा फैंसी फॉर्मूले यूज नहीं करूंगा, मैं आपके लिए सारी चीजें कहां से कनेक्ट करूंगा, बायो सेवर्ट्स लॉ से ही कनेक्ट करते हुए चलूंगा, ताकि जो आपको अपने ऊपर बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर लोगे। इस फॉर्मूले की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए एक तो आपको, और दूसरा अपने में कॉन्फिडेंस की जो भी क्वेश्चन पूछा होगा मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि कितने इजिली हम इसको डिराइव कर सकते हैं। और एक दूसरा फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, dB vector is equals to mu naught upon 4 pi I dl vector cross of r vector divided by r cube। ये vector form में है और वो magnitude लिखा हुआ था ऊपर। देखो, अब हमको ये भी पता है कि जो बायो सेवर्ट्स लॉ होता है वो सिर्फ किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है, इनफिनाइटली स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के ऊपर ही अप्लीकेबल होता है क्या आपका बायो सेवर्ट्स लॉ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। सपोज करो मैं यहाँ पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट काट लेता हूँ, ये एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट मैं यहाँ पे काट लेता हूँ, क्या डीएल। ठीक है, अब स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट को मेरे को क्या करना चाहिए, यहां से इस डीएल के सेंटर से उठाता हूँ एक पॉइंट और कहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, मैं इस पॉइंट पी पे ज्वाइन कर देता हूँ। कहाँ ज्वाइन कर देता हूँ, क्लाइंट पॉइंट पी पे, और ये क्या हो जाएगा मेरा आर वेक्टर, या हाँ आर वेक्टर ले लो। मान लो कि जो रेडियस है इस सर्कल का वो कितना है, कुछ a ले लेते हैं, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस को पॉइंट p तक के डिस्टेंस को हम कुछ x ले लेते हैं, जरूरत नहीं है इसकी, फिर भी मैं बोलता हूँ इसको क्या ले लो, कुछ x डिस्टेंस अवेलेबल, किसको पॉइंट p को। ठीक, अब देखो ध्यान से समझो, यहां करंट पे क्या एक लिया हुआ है, स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है डीएल, और उसके उससे क्या ड्रॉ किया हुआ है, डीएल के सेंटर से पॉइंट पी को कनेक्ट करता हुआ क्या बनाया हुआ है, एक आर्क वेक्टर बनाया हुआ है। अब इमेजिनेशंस की पूरी चीजें आएंगी। ये जो कॉइल रखी हुई है, पहले तो इसको इमेजिन करो, ये कॉइल ऐसी नहीं है, ये कॉइल ऐसी नहीं है, ये कॉइल को आप ऐसा इमेजिन करो, ये कैसा कॉइल है, ठीक है, ये ऐसा एक कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट फ्लो कर रहा है, कर रहा है। मैंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन पे टॉप पे जाके डीएल कट कर लिया, क्या कर लिया, टॉप पे जाके डीएल कट कर लिया। तो टॉप पे जो डीएल कट किया होगा वो किस कैसा, ऐसा देखो, टॉप पे जो मैंने डीएल कट किया होगा वो कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा। क्यों होगा, ध्यान से अगर आप बने रहोगे मेरे साथ तो समझ में आएगा। ये देखो, यही करंट फ्लो है, ये आपका करंट फ्लो कर रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, ये टॉप पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो मैंने क्या किया, इसी डायरेक्शन में क्या कट कर लिया, डीएल कट कर लिया। अब ये जो सर्कल बन रहा है, एकदम ध्यान से देखना, ये जो सर्कल बना हुआ है, इस ये जो सर्कल बना हुआ है इसके सेंटर से कहीं पे एक जगह पे पॉइंट पी है, और यहां से मैं इस लाइन को क्या कर रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं आर। तो ये जो आर है, देखो ध्यान से, ये जो आर है और ये जो डीएल है, इनके बीच कितना एंगल बन रहा होगा, ये जो r वेक्टर है और dl वेक्टर है इनके बीच कितना एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री का, कितना एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री का। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखो देखो यहां से, ये है आपका करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, इसमें ये करंट फ्लो कर रहा है आपका, ठीक है,
ये करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो की डायरेक्शन में मैंने क्या ले लिया, इस टॉप पे क्या ले लिया, एक डीएल वेक्टर यहां पर ले रखा है मैंने। करंट की डायरेक्शन में क्या ले लिया, एक डीएल वेक्टर। और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मैंने क्या उठा रहा हूं, यहां से एक लाइन ड्रॉ है कहां पे, पॉइंट पी पे, यहां से एक लाइन जा रही है पॉइंट पी पे। तो इन दोनों के बीच में अब ये जो डीएल वेक्टर है और आर वेक्टर है इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, आपको दिख रहा होगा कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। लिख भी देता हूं मैं, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर इज 90 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, अब आगे देखते हैं। अब देखो ध्यान से समझो, यहां से जब देख रहे होगे आप, ये है रिंग आपकी, ऐसे रिंग रखी हुई है, ऐसे ये है आपकी रिंग रखी हुई है। रिंग में करंट कैसा फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉप से करंट कहां आ रहा है, बाहर। टॉप से करंट कहां आ रहा है, बाहर की तरफ। देखो यही तो रिंग है ना तुम्हारी, यही रिंग है, ये रिंग रही, ये रही रिंग। देखो ध्यान से, रिंग के थ्रू ही समझाता हूं तुमको। ये रही तुम्हारी रिंग, ये तुम्हारी रिंग। तो देखो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो यहां से देखो जो करंट होगा, यहां से इस रिंग में यहां से जो करंट होगा वो किधर, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर अपने फिंगर को कर्ल करोगे तो क्या दिखाएगा, अगर करंट इधर है, अगर करंट इधर है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिख रही होगी, करंट इधर है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिख रही होगी, इस तरफ ऊपर की तरफ को जाती है। अगर करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर। अगर इसी चीज को तुम और देखना चाहते हो, जरा बॉटम पे आओ, जब बॉटम पे आओगे तो मैग्नेटिक करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी, नीचे। इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ। अगर करंट ऊपर की तरफ आ रहा होगा, अगर करंट इधर बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अपवर्ड्स। और करंट नीचे जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी, डाउनवर्ड्स। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां बनाते हैं अपन, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही होगी, डीबी कितना हो रहा होगा इसके कारण से। देखो ये कहां जा रहा था, बाहर आ रहा था, तो इस तरफ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी कैसी बननी चाहिए, ये क्या बन जाएगी हमारी, मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगी, डीबी। ठीक है, वैसे ही जैसे ऊपर आपने समझा, अगर उसी तरीके से मैं यहां पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लूं क्या, डीएल, यहां पे भी एक करंट एलिमेंट ले लेता हूं क्या, डीएल, और उससे मैं किसको ज्वाइन कर देता हूं, उससे उठा के मैं ज्वाइन कर देता हूं किसको, इसी पॉइंट पी को, इसी पॉइंट पी को। तो यहां पे, अब यहां पे करंट कैसा जा रहा है, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही है, देखो पॉइंट पी पे नीचे की तरफ। तो इस जगह पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण से कैसी दिखेगी, ये बन गई मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसी बन जाएगी मेरी, डीबी बनी हुई है इसके कारण से। ये कैसी हो गई, नीचे की तरफ। ध्यान देना बच्चे, जहां पे कंफ्यूज हो गए आप लोग, मैं वो सारे पॉइंट्स को मेंशन करते जा रहा हूं। ये आर वेक्टर जो, देखो ये जो डीबी है, ये जो डीबी है, ध्यान से देखो, ये जो डीबी है ये कहां से आता है, डीएल क्रॉस आर से आता है। कहां से आता है, डीएल क्रॉस आर से। तो ये डीएल है, ये आर है और ये डीबी है। तो ये जो है डीएल, डीबी और डी, डीएल, डीबी और आर, ये तीनों आपस में अगर क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों आपस में कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। मतलब ये एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री का। ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। ठीक है, अब मान लेते हैं, सपोज करो कि ये छोटा सा एंगल कितना है, थीटा। वैसे ही ये छोटा एंगल भी कितना है, थीटा। ठीक, यहां पर मैं एक लाइन करता हूं, देखते जाओ, बड़े आराम से समझा दूंगा आपको, इजीली आपको सब समझ में आ जाएगा, एकदम आराम से सब समझ में आएगा। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। और इस सिचुएशन को वहां क्लम्सी हो गया, मैं आपको अलग से सिर्फ उतना ही फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। देखो एक ये है, एक यहां है, एक लाइन आपकी ये बनी हुई है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉन है, इस पे एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉन है। ये एंगल कितना गिवन है हमको, ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल भी कितना है, थीटा। यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, देखते रहो ध्यान से एकदम, देखते रहो। और हमको क्या पता?
कि ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री का, वैसे ही ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री का। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है आपको इन चीजों को। तो बेटा अगर देखो ये एंगल कितना है 90 डिग्री का, ये एंगल कितना है 90 डिग्री का, और ये एंगल कितना है थीटा, तो ये छोटा एंगल कितना हो जाएगा, ये देखो ये पूरा है 90, ये एंगल है थीटा, तो ये स्मॉल एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये स्मॉल एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अभी देखो एकदम ध्यान से देखो, ये स्मॉल एंगल 90 माइनस थीटा है और ये पूरा एंगल भी तो कितना है 90, जिसमें से ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल है 90 जिसमें से ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा थीटा। अगर ऊपर समझ में नहीं आया ये बात तो नीचे फोकस करो। देखो क्या ये एंगल आप देख पा रहे हो, मैं बड़ा बड़ा बनाता हूं, क्या ये एंगल देख पा रहे हो ये कितना है 90, उसमें से ये लाल रंग से जो दिख रहा है वो कितना खा जा रहा है थीटा, तो ये बचा एंगल कितना होगा, ये बचा एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा का। और आपको पता है कि ये भी एंगल कितना है 90 डिग्री का, ये एंगल देखो बड़े में बनाता हूँ, ये एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री का, जैसे ये कितना खा जा रहा है 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए थीटा डिग्री का। ठीक है, उसी चीज को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये एंगल मेरा कितना आ जा रहा है थीटा, और ये एंगल भी उस हिसाब से मेरा कितना आ जाएगा थीटा, ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे मेरे थीटा और थीटा। मेरे को कुछ लिखना है वहां पे, इसीलिए मैं उस साइड जो लिखा हुआ है उसको इरेज कर रहा हूँ, इधर फिर से हम लिख लेंगे उन चीजों को, देखते रहो। अब अगर ये एंगल डीपी का ये कंपोनेंट बन गए तो देखो टुवर्ड्स द थीटा ये कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा हमारा डीबी कॉस थीटा का, वैसे ही नीचे ये भी कौन सा एंगल बन जाएगा आपका डीबी कॉस थीटा, और इस तरफ ये क्या बन जाएगा हमारा, इसके कारण से एक डीबी साइन थीटा, और इसके कारण से भी ये क्या बन जाएगा इधर डीबी साइन थीटा। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारी कितनी हो जाएगी, ऐसे ही आप कहीं पे भी एलिमेंट्स ले, आप कहीं पे भी इस सर्कल के एलिमेंट्स लेते रहे, डीबी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट क्या होते रहेंगे कैंसल आउट होते रहेंगे, और डीबी साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या होता रहेगा आपको होता हुआ एक डायरेक्शन में मिलता रहेगा। तो बी नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ क्या डीबी साइन थीटा, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहां से चलते हैं अपन, तो db इक्वल्स टू तो होता क्या है अपना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई idl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि d ये जो sin थीटा होता है बेटा, ये जो थीटा होता है यहां, ये कहां से आता है dl वेक्टर क्रॉस ऑफ r वेक्टर के बीच के एंगल से, तो यहां dl और r के बीच में कितना बन रहा था, मैंने आपको बताया था कि dl और r आपस में कैसे परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा कितना है 90 डिग्री है, मतलब साइन थीटा कितना है, साइन 90 कितना होता है 1, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, तो db इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई idl अपॉन r स्क्वायर, क्या मिल जाएगा idl अपॉन r स्क्वायर। अब ये सारी चीजों को आप यहां पर पुट करो, देखते रहो, तो b नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ db के बदले आप पुट कर दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई idl अपॉन r स्क्वायर sin थीटा। sin थीटा अगर मेरे को यहां से लेना हो, sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका a और हाइपोटेनियस क्या है आपका r, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई idl अपॉन r क्यूब, और यहां क्या आ जाएगा आपका एक a आ जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो आप r की वैल्यू को पुट कर सकते हो, r की वैल्यू को अगर पुट करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो, पाइथागोरस थ्योरम को अगर आप यूज करना जानते हो प्रॉपरली तो r इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, उसकी वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई आईडीएल, ठीक है, अपॉन आर क्यूब। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इंटीग्रेशन को ना परफॉर्म कर लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। पहले अपन इंटीग्रेशन को परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे रुको देखो, पहले इंटीग्रेशन को ही परफॉर्म कर लेते हैं। अभी इंटीग्रेशन लगा हुआ है, उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये देखो कितना होना चाहिए, म्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अपॉन 4 पाई भी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर क्यूब भी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और आपका ए भी कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, आपका डीएल का इंटीग्रेशन होगा, और ओवर द सर्कल अगर डीएल को इंटीग्रेट कर दोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, उसके सर्कमफेरेंस के, और अगर सर्कमफेरेंस के बराबर आएगा और रेडियस ए है तो कितना हो जाएगा 2 पाई ए, तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बाई आर क्यूब, डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 पाई, डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 पाई। अब फाइनली हम आर की वैल्यू को यहां पुट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, हम यहां पे आर की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो आर की वैल्यू को अगर पुट करूं तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए, ये आई ए स्क्वायर भी कर सकते हो आप, अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब को मैं क्या लिख सकता था, लिख रहा था मैं, क्या हो सकता है आपका r इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, r की जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल का पावर क्या हो जाएगा आपका 3/2, और यहां पर एक क्या बचा हुआ है 2 पाई, चाहो तो पाई से पाई को मार दो, ये कितना हो जाएगा 2। तो म्यू नॉट b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अप बाई 2 आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2, ठीक है, ये हो गया है आपका एक्सप्रेशन। अगर इन्हीं एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा और ट्वीक करते हैं, इन्हीं एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा और ट्वीक करके देखते हैं। अगर मान लो कि एक्स जो है आपका, अगर जो ये एक्स है ये क्या हो जाए आपका मच मच ग्रेटर हो जाए किससे, ए से। अगर जो x है आपका क्या हो जाए मच मच ग्रेटर हो जाए किससे, a से। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब a को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा x क्यूब, कितना हो जाएगा आपका x क्यूब, ठीक है, हो गया हमारा यहां तक। अगर x मच मच ग्रेटर देन a आएगा तब तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब अपन करते हैं ग्राफ, एक देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कुछ कुछ जगहों पे आपको मिल जाता है, समझा देता हूं। तो उसके पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है आपको। मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ये है मेरी सर्कुलर लूप, देखो ये है मेरी सर्कुलर लूप, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, कैसा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो, टॉप से किधर आ रहा होगा बाहर और बॉटम से किधर जा रहा होगा अंदर, ठीक है। तो टॉप से कैसा आ रहा होगा ये देखो, मान लो टॉप से आ रहा होगा मेरा बाहर डॉट जैसा, और बॉटम से कैसा जा रहा होगा ये अंदर जा रहा होगा। तो इसके कारण से देखते हैं, इसके कारण से इस साइड पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है और इस साइड पे कैसी मैग्नेटिक, इस साइड पे कैसी बनती है तो हमने देख चुके थे, कैसी बनी थी डीबी, इधर बनी थी और इधर बनी थी, ठीक है, इधर बनी थी और इधर बनी थी, एक डीबी आपकी इधर आई थी और एक डीबी इधर आई थी, और नेट डीबी किधर चली गई थी आपकी, इस डायरेक्शन में नेट डीबी थी। अब आप देखो इस साइड पे क्या होगा, अगर बाहर आ रहा है, कहां आ रहा है बाहर की तरफ, देखो कैसा आ रहा है बाहर की तरफ, देखो बाहर की तरफ आ रहा था घूमते घूमते, ये देखो जो बाहर की तरफ आ रहा था इधर 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 मोड़े तो इधर से कैसा था ऊपर चले गया। इसी बाहर को अगर मैं देखूंगा, इसी बाहर के कारण से इस पॉइंट पे देखूंगा, देखो ध्यान से, इसी बाहर ये मेरा थंब बाहर, ये मुड़ा 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 मुड़ा, तो इस पॉइंट पे ये कैसा दिख रहा होगा, इस तरफ जाता हुआ एक डिग्री, चेक कर सकते हो, देखो ये पिक घुमा 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 यहां से इस तरफ बाहर है, वैसे देखो यहां से कैसा हो रहा है अंदर की तरफ जा रहा है, देखो यहां से किधर जा रहा है अंदर की तरफ, तो ये देखो यहाँ पे किधर गया हुआ है, इस पॉइंट पे किधर गया हुआ है, देखो इधर ये नीचे की तरफ, वही घुमा 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 घुमा
ये देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है, घुमा घुमा, और इस पॉइंट पे किधर जा रहा है, इस तरफ, मतलब डीबी इस पॉइंट का किधर बन गया, इस तरफ, और नेट डीबी किधर आ गया, इस डायरेक्शन में, नेट डीबी किधर आ गया, इस डायरेक्शन में, नेट डीबी किधर आ गया, इस डायरेक्शन में। तो देखो जो एंटी क्लॉकवाइज करंट थी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों ही साइड में, सर्कुलर लूप के दोनों ही साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं, एक ही डायरेक्शन में बने हुए हैं, दोनों ही तरफ मैग्नेटिक फील्ड के, इस सर्कुलर कॉइल के दोनों ही तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी बनी हुई है, एक डायरेक्शन में बनी हुई है। अब इसी में अगर क्लॉकवाइज करंट होता, सपोज करो सेम चीज को मैं उठाता हूं और क्लॉकवाइज के लिए बनाते हैं, क्लॉकवाइज बोले तो कैसा होना चाहिए, ऐसा करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। देखो अब अगर एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर अंदर जा रहा था तो क्लॉकवाइज में ऊपर से क्या हो रहा होगा, बाहर, और बॉटम से क्या हो रहा होगा, अंदर जा रहा होगा। अब इसके कारण दोनों साइड पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपन मार्क करने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखो जब अंदर जा रहा होगा तो यहां पे कैसा जा रहा है, नीचे, अंदर जा रहा है तो यहां पे कैसा जा रहा है, नीचे, मतलब यहां डीबी कहां बन रहा होगा, इस डायरेक्शन में, वैसे ही देखते रहो, ध्यान से देखो, यहां नीचे 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 नीचे, और यहां से कैसा जा रहा होगा, और यहां से देखो ये घूमते हुए गया, डीबी इसके कारण से नीचे, या फिर ऐसे पीछे से आते हैं, पीछे से आते हैं, ये देखो ये, तो यहां पे जो होगा डीबी, देखो ना तो थंब रोटेट करना बड़ा मुश्किल काम है, यहां से इसके कारण से डीबी नीचे आया तो हमने कहां बना लिया, नीचे की तरफ बना लिया, घूमते गए घूमते गए घूमते गए घूमते गए, तो हमारा डीबी देखो इधर पे कैसा आएगा, या फिर चलो इस पॉइंट के कारण से एक बार पहले देख लो, इस पॉइंट के कारण से हमारा डीबी कहां है, इधर देखो करंट की डायरेक्शन थंब का आउटवर्ड्स, थंब का आउटवर्ड्स, तो इस पॉइंट पे देखो डीबी कहां मिलेगा, पहले एक साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो इस पॉइंट पे हमको डीबी कहां मिलेगा, इस तरफ दिखाना है तो बोलो, एक बार और दिखा देता हूं, दोनों के कारण से ऊपर में अंदर जा रहा है तो डीबी किधर, उस तरफ, इधर, ठीक है, इधर, बाहर आ रहा है तो उस तरफ डीबी किधर, इधर, तो एक डीबी इधर और एक डीबी इधर, तो नेट डीबी कहां चला जाएगा हमारा, नेट डीबी भी कहां चला जाएगा हमारा, इस तरह, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना, यहां से फील्ड कैसी आ रही है, बाहर आ रही है, आपकी कैसी आ रही है, बाहर आ रही है, कैसी आ रही है, बाहर, अगर बाहर आ रही है तो डीबी देखो इधर, देखते रहो इधर इधर, तो ये डीबी किधर, इधर, एक डीबी कहां गया आपका, इधर, और यहां से आपकी फील्ड कहां जा रही है, यहां से ये फील्ड कहां जा रही है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, तो ये घुमा 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 घूम के आया, और यहां से किधर जा रहा होगा, इस तरफ, तो नेट डीबी इस बार कहां पे आ जाएगा, इस तरफ। नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, देखो यहां से कैसा आ रहा था बाहर, यहां पे कैसा है, या यहां से देखो यहां पे कैसा है, अंदर, इधर घूमे 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 घूमे, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, तो इस पॉइंट पे आप देखोगे तो डीबी किधर जा रहा है, इसी डायरेक्शन में तो जा रहा है, और इधर से जब आप क्या थे, बाहर आ रहे थे, देखो यहां से आप बाहर आ रहे हो तो डीबी किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, यहां से देखो आप बाहर आ रहे हो तो डीबी किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, यहां से आप कहां जा रहे हो, अंदर जा रहे हो तो डीबी देखो किधर जा रहा है, उस डायरेक्शन में, तो एक डीबी ये और एक डीबी ये, तो ये आपका क्या बन गया, नेट डीबी। तो अगर मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा दिखना चाहिए आपका ग्राफ, तो ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए देखते हैं। मान लो ये माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स है, तो ग्राफ पहले क्या होगा आपका, इंक्रीज, ये गया, या तो ग्राफ आपका ऊपर एक्सिस पे बन जाए, ये आपका क्या है, बी, ये क्या है आपका, बी, या तो ग्राफ आपका ऊपर वाले एक्सिस पे बन जाए, या तो ग्राफ आपका नीचे वाले हाफ पे बन जाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा, ये ग्राफ इसका पॉसिबल नहीं हो सकता, कि ये ग्राफ कुछ ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होगा, कैसा देखते रहो, ये ग्राफ कुछ ऐसा और कुछ ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, आधे पोर्शन के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, आधे के लिए थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर आधे के लिए सेकंड क्वाड्रेंट, आधे के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट, दो अलग अलग फर्स्ट सेकंड में बन सकता है, थर्ड फोर्थ में बन सकता है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में नहीं, सेकंड और फोर्थ में नहीं,
या तो ग्राफ पूरा इस एक्सिस के ऊपर होगा या तो ग्राफ पूरा इस एक्सिस क्या बनना चाहिए, नीचे बनना चाहिए। क्योंकि देखो ना, नेट फील्ड जो आ रही है या तो पूरी तरह से क्या आ रही है, मान लो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूं तो इधर भी पॉजिटिव हुआ इधर भी पॉजिटिव, और अगर मान लो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो इधर नेगेटिव, तो इधर भी नेगेटिव हुआ इधर भी नेगेटिव, तो या तो पूरी नेगेटिव हो जाए या तो पूरी क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आधी नेगेटिव, इस साइड के लिए नेगेटिव, इस साइड के लिए पॉजिटिव, इस साइड के लिए पॉजिटिव, इस साइड के लिए नेगेटिव, ये पॉसिबल नहीं है। अगर पॉजिटिव होगी तो इधर के लिए भी पॉजिटिव इधर के लिए भी पॉजिटिव, नेगेटिव होगी तो इधर के लिए भी नेगेटिव और इधर के लिए भी नेगेटिव। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इन चीजों को आप समझिए। ठीक, अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लूंगा वो लूंगा नेक्स्ट टॉपिक एम्पियर सर्किट ऑफ लॉ के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू।